Hello and welcome to my channel eSnippets. I am Dr. Suruchi Tiwari and today we are going to cover the next topic of the syllabus of UPSC, that is theories of evolution. In the pre-Darwinian phase, the most important theory came from Lamarck, and the theory given by Lamarck is also called as Lamarckism. So in today's lecture, we will be discussing about Lamarckism. Now, what is Lamarckism? The full name of Lamarck was Jean Baptist Lamarck. And in 1809, in his book named as Philosophic Zoologique, he proposed his theory of evolution, right? Year mein unhone apni book publish kari thi, apni theory di thi. Unhone apni theory 1809 mein di thi, and one of his most famous books is Philosophic Geologique. Okay? You have to remember the name of the book. In which book Lamarck gave his, in which he proposed his theory of evolution. Now let us talk about ki unki theory of evolution jo thi wo based kis baat pe thi. Unki theory bahut simple thi. उसको समझने के लिए अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको बुक उठा के पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू विल बी वेरी क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट दैट व्हाट एग्जैक्टली लमार्किज्म इज. ओके, नाउ हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फिजिकल चेंजेस डेवलप्ड इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम कुड बी ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. तो उनकी जो थ्योरी थी वो ये कहती थी कि हमारा जो लाइफ स्पैन है उस लाइफ स्पैन में हम जो कुछ भी अक्वायर करते हैं, जो भी कैरेक्टर्स बॉडीली चेंजेस हम अक्वायर करते हैं, वो फिजिकल चेंज जो हमारे अंदर हो रहा है पूरे लाइफ स्पैन में, उन चेंजेस को हम ट्रांसमिट कर देते हैं टू आर नेक्स्ट जनरेशन. दैट इज हमारे जो चेंजेस हैं, जो हमने एनवायरमेंट के चेंजेस की वजह से या किन्हीं भी वजह से उनको हमने डेवलप किया है, जिन फिजिकल चेंजेस को, वो फिजिकल चेंजेस हमारी नेक्स्ट जेनरेशन में ऑटोमेटिकली हम ट्रांसफर कर देते हैं. दिस वॉज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज थ्योरी. अब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए ही हैज गिवन फोर मेन पोस्टुलेट्स. व्हाट वर द फोर मेन पोस्टुलेट्स, लेट अस क्विकली रीड इट. द फर्स्ट पोस्टुलेट वॉज द थ्योरी ऑफ इलान वाइटल. ओके, इलान वाइटल क्या है? इलान वाइटल एक इनर अर्ज है जो एक इंडिविजुअल के अंदर, एक एनिमल के अंदर डेवलप होती है. उनका यह मानना था कि हर एनिमल के अंदर ड्यू टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, उसको जो भी डिस्कम्फर्ट फील होता है एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, तो उसे एक अंदर से फील आती है कि नाउ आई हैव टू ब्रिंग सम चेंज इन माई सेल्फ टू अडेप्ट टू दिस चेंजिंग एनवायरमेंट. हमें अपने अंदर कुछ चेंज लाना पड़ेगा जिससे कि हम बेटर कंफर्टेबली सेट हो पाए इस चेंजिंग एनवायरमेंट में. तो ये जो इनर नीड है, दिस इज इलान वाइटल. तो इस पहला पोस्टुलेट जो है वो ये कहता है कि जब भी एनवायरमेंट में कोई चेंज होता है तो एनिमल के अंदर एक नीड जनरेट हो जाती है, और ये जो नीड है, इनर नीड, उसको वो कहते थे कि दिस इज इलान वाइटल एंड दिस नीड इज जनरेटिंग इज द मेन फोर्स बिकॉज ऑफ विच वी आर चेंजिंग. नाउ सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ लमार्किज्म इज द थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर. वो क्या कहते हैं कि जब हमारा एनवायरमेंट चेंज होता है, न्यू ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स आर फॉर्म्ड इन साइड द ऑर्गेनिजम्स. जब एनवायरमेंट चेंज हुआ, हमारे अंदर एक नीड जनरेट हुई, और उस नीड के जनरेशन की वजह से हमने क्या किया, हमने न्यू ऑर्गन्स को डेवलप कर लिया, राइट? दीज न्यू ऑर्गन्स आर डेवलप्ड ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंज. एंड तो इसमें प्राइम फैक्टर क्या है? एनवायरमेंट वॉज अ डोसाइल फोर्स, वो बहुत एक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहा है. इनकी थ्योरी में इलान वाइटल और द नीड, इनर अर्ज, इज द मेन थिंग विच इज प्लेइंग रोल. एंड एनवायरमेंट इज अ पैसिव थिंग विच इज चेंजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग एनवायरमेंट एंड इनर अर्ज इज डेवलप्ड, एंड दिस इनर अर्ज इज कॉम्पेलिंग अस टू डेवलप न्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन आर बॉडी. ठीक है,
ये दो पोस्टुलेट्स हो गए. द थर्ड पोस्टुलेट इज द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज. तो लमार्क कहते हैं कि हमने नए ऑर्गन्स डेवलप कर लिए और उन ऑर्गन्स को हमने यूज, जिन ऑर्गन्स को हम ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, और जिन ऑर्गन्स को हम यूज नहीं करते हैं वो जो है वो डीजेनरेट करने लगते हैं. दिस थर्ड पोस्टुलेट इज कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज. उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो थर्ड पोस्टुलेट उनकी थ्योरी का क्या है कि हमारी बॉडी में जो भी कैरेक्टर्स हैं, डेवलपमेंट जो हुआ ऑर्गन्स का, वो किस वजह से हुआ, उसका कारण था ये एनवायरमेंटल प्रेशर, और उस एनवायरमेंटल प्रेशर के वजह से हमारा जो इनर अर्ज था, हमारा इलैम वाइटल था, उसने कुछ और नए ऑर्गन्स को डेवलप कर लिया, और जो हमारे पुराने ऑर्गन्स थे जिनको अब हम डिसयूज कर रहे हैं, जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं, दे आर डीजेनरेटिंग एंड द न्यू ऑर्गन्स विच वी आर यूजिंग आर जेनरेटिंग. वो बढ़ते जा रहे हैं, वो अपने साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, और जो नहीं यूज हो रहे हैं वो डिजेनरेट हो रहे हैं. और फोर्थ पोस्टुलेट इनकी थ्योरी का था कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, कि ये जो हमने एनवायरमेंटल चेंज की वजह से न्यू कैरेक्टर्स डेवलप किए अपने अंदर, वी डेवलप न्यू कैरेक्टर्स, और वो कैरेक्टर्स जो हमने अपने लाइफ साइकिल में डेवलप किए ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरमेंट, वो जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम कहते हैं अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और यही अक्वायर्ड कैरेक्टर्स हम अपने नए ऑफस्प्रिंग्स में, मतलब कि अपनी नई जनरेशन में, हम उन कैरेक्टर्स को पास ऑन कर देते हैं. तो दिस इज द मेन थ्योरी, लमार्कियन थ्योरी, कि एक इनर अर्ज है हमारे अंदर, और उस इनर अर्ज जब हमारा एनवायरमेंट हमारे हिसाब से नहीं होता है, कुछ चेंज हो जाता है, तो ये जो इनर अर्ज है ये हमें नए ऑर्गन्स डेवलप करने को मजबूर कर देती है, जिसकी वजह से एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स डेवलप न्यू ऑर्गन्स एंड न्यू ऑर्गन सिस्टम्स. जो नए ऑर्गन्स हैं हम उनका यूज करते हैं, जिनकी वजह से वो डेवलप हो जाते हैं, उनका साइज बड़ा हो जाता है, वो ज्यादा यूज होते हैं, और जिन ऑर्गन्स को हम यूज नहीं करते हैं, डिस यूज हम जिनका करते हैं, वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाते हैं और वो शॉर्ट हो जाते हैं. और यही जो कैरेक्टर्स हम अपने लाइफ स्पैन में डेवलप करते हैं, वो कैरेक्टर्स हमारी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं. नाउ टू प्रूव हिज थ्योरी ही गेव सम एग्जांपल्स. अब एग्जैक्टली इलैन वाइटल का मतलब अगर आप जानना चाहते हैं, तो इलैन वाइटल की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि इलैन वाइटल मीन्स द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पॉन्टेनियस मॉर्फोजेनेसिस. मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है आपकी मॉर्फोलॉजी, मतलब जो आप जिस तरह से दिख रहे हो उसमें चेंज हो जाना. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक. तो इलैन वाइटल मीन्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पॉन्टेनियस मॉर्फोजेनेसिस, मतलब कि अपने आप आपके अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगे जिसकी वजह से आप एकदम डिफरेंट दिखने लगेंगे. ऑफ थिंग्स इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स मैनर. और ये जो चेंजेस आएंगे ये किस तरीके से आएंगे, ये जो है ये सिंप्लीफाई नहीं करेंगे आपके बॉडी स्ट्रक्चर को, या आपके बॉडी स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स करेंगे. तो इलैन वाइटल की ही, लमार्क का माने तो इलैन वाइटल की ही वजह से हम एप से धीरे धीरे मैन की तरफ बढ़ते चले गए. हम क्वाड्रूपेड से, हम नकल वॉकिंग से धीरे धीरे सेमी इरेक्ट पोस्चर में आए. सेमी इरेक्ट पोस्चर से धीरे 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 वी वेंट फॉर बाइपीडल लोकोमोशन एंड इरेक्ट पोस्चर. तो ये इलैन वाइटल था, ये हमारा अपने अंदर से इनर अर्ज थी जिसकी वजह से हमारे अंदर चेंजेस आते चले गए. Thus, Lamarck said that internal forces, जो आपके बॉडी के अंदर के इंटरनल फोर्सेज है, जो द नीड है, जिसको वो द नीड और द अर्ज कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है, कैपेबल है ऑफ फॉर्मिंग ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलैन वाइटल गिवन बाय लेमार्क. और लेमार्क के हिसाब से यही इलैन वाइटल हमारे एवोल्यूशन का कारण है. अब उन्होंने एग्जाम्पल्स क्या दिए अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए. उन्होंने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल दिए कि ये जो एनवायरमेंट था, जब जिराफ था, जिराफ वॉज इनिशियली लाइक अ हॉर्स, वो एक हॉर्स की तरह था, उसका जो नेक का पोर्शन था वो बहुत इलोंगेटेड नहीं था जैसे कि आज की पोजीशन में है. उसके फ्रंट लेग्स भी बहुत इलोंगेटेड नहीं थे, इट वॉज ऑलमोस्ट लुक्ड लाइक अ
इट ऑलमोस्ट लुक लाइक अ हॉर्स, बट ग्रेजुअली क्या हुआ, वो कहाँ पर रह रहा था, वो जिस एरिया में रह रहा था वहां पर बहुत टॉल ट्रीज थे, लो लेवल पे ग्रेजिंग के लिए बहुत ज्यादा फॉडर अवेलेबल नहीं था, देयर वॉज नो मोर ट्रीज लेफ्ट एट द लोअर हाइट, और बहुत हाइट पे ट्रीज थे जिसकी वजह से जिराफ ऑलवेज ट्राइड टू लिफ्ट अपलिफ्ट इट्स नेक एंड द फ्रंट टू लेग्स, हमेशा उनको स्ट्रेच करके गर्दन ऊपर करके उठाकर उसको पत्तियां खानी पड़ती थी, जिसकी वजह से अब ये इन्वायरमेंट का चेंज था कि वहां पर लो लेवल पे फूड नहीं मिल रहा था, तो द इनर अर्ज ऑफ द जिराफ कॉम्पेल्ड इट टू मेक एन एफर्ट, और उस एफर्ट की वजह से ये इलोंगेटेड नेक जो है, जो इलान वाइटल की वजह से इलोंगेटेड नेक वहां पे जनरेट हो गया, और जो फ्रंट लेग्स थे दे बिकेम टॉल, और ग्रेजुअली इवॉल्व होते होते द जिराफ टुक इट्स प्रेजेंट शेप। तो ये एग्जाम्पल उन्होंने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल वो कहते हैं थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज के लिए ये एकदम फिट बैठता है कि दिस इज द जो स्नेक्स हैं वो उनके जो लिम्स हैं वो धीरे धीरे यूज उनका नहीं हुआ, दे वर क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड और वो मूव नहीं कर रहे थे, अपने पैरों का इस्तेमाल उन्होंने करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से दे एक्सपीरियंस लॉस ऑफ लिम्स, राइट। तो वो होल्स और क्रेविसेस में जब वो एंटर करते थे तो जो लिम्स थे उनके, वो लिम्स उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, सो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देयर लिम्स डीजेनरेटेड, क्योंकि उनको उसकी यूज नहीं थी, उनको उसकी जरूरत नहीं थी, तो व्हाट हैपेंड टू देयर लिम्स, देयर लिम्स ग्रेजुअली डीजेनरेटेड एंड दे टुक द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल स्मॉल स्पाइन्स इन द प्रेजेंट डे। अदर एग्जाम्पल्स विच वी कैन टॉक अबाउट इन द सपोर्ट ऑफ लमार्किज्म इज, लमार्क कहते हैं कि जो ब्लैकस्मिथ होता है, दैट मीन्स जो लोहार होता है, वो कंटिन्यूअसली हथौड़ा चलाता है, जिसकी वजह से वो मैनुअल लेबर करता है और उसकी बाइसेप्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। दैट प्रूव्स द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, कि आप अपनी मसल्स को ज्यादा यूज करेंगे तो दे विल बिकम स्ट्रांगर एंड दे विल गेट डेवलप, और आप यूज नहीं करेंगे तो स्नेक्स के लिम्स की तरह दे विल डीजेनरेट। नेक्स्ट ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स इज एन ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन द मैन्स बॉडी, और आज की डेट में वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है वो ऑर्गन जो आप अभी यूज नहीं कर रहे हैं, वो एकदम रुडिमेंट्री फॉर्म में है, थोड़े दिनों बाद मे बी वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो अपेंडिक्स का फंक्शन होता है क्लोरोफिल को पचाना। जब हम कच्चा खाना खाते थे, जब हम कुक्ड फूड नहीं खाते थे, तो जो प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेस्ट करता था हमारा अपेंडिक्स, बट नाउ सिंस वी हैव स्टार्टेड ईटिंग कुक्ड फूड, तो अपेंडिक्स की जो रोल था वो खत्म हो गया है, तो अपेंडिक्स अपना साइज छोटा करता जा रहा है एंड इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म इन अ वर्मी फॉर्म, और बहुत ही यूजलेस सा वो हो गया है, जिसको हम वेस्टिजियल वर्ड यूज करते हैं उसके लिए साइंस में, कि वेस्टिजियल, इट हैज बिकम अ वेस्टिजियल ऑर्गन एंड इन टाइम्स टू कम मे बी कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो ये वो एग्जांपल देते हैं कि डिसयूज जब होता है तो हमारे ऑर्गन्स जो है डीजेनरेट करने लगते हैं। देन कम्स द लॉस ऑफ विंग्स इन वॉटर बर्ड्स। जो वॉटर बर्ड्स हैं दे डोंट नीड टू फ्लाई, तो वो धीरे धीरे बहुत अच्छी फ्लाइट ले नहीं पाती हैं, दे बिकॉज दे आर जनरली लिविंग इन वॉटर एंड उनके जो पैर हैं, बाकी किसी भी बर्ड्स में आपको वेब्ड डिजिट्स नहीं दिखाई देंगे। वेब्ड डिजिट्स मीन्स कि दिस इज द फुट ऑफ अ डक और उसके बीच में यू विल फाइंड वेब लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, एंड दिस वेब लाइक स्ट्रक्चर हेल्प्स द डक टू स्विम और अदर वॉटर बर्ड्स टू स्विम। तो एक ये जो वेब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है उनके डिजिट्स के बीच में, फिंगर्स के बीच में ऑफ द लेग, वो उनको स्विम करने में हेल्प करता है, एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द नीड जनरेटेड बाय द एनवायरमेंट। उन्हें उसमें स्विम करना था, इनका इनर अर्ज थी कि वो डेवलप होना चाहिए, तो दे डज डेवलप। दीज आर द एग्जाम्पल्स विच सपोर्ट विच वर साइटेड इन सपोर्ट ऑफ लमार्किज्म।
Now let us talk about ki what are the examples or evidences which are against Lamarckian theory. Lamarck ki theory aaj ki date mein acceptable nahi hai. Lekin kyun acceptable nahi hai? Because there were several experiments done by various scientists who proved ki Lamarckian theory lagu nahi hoti hai. Now, one of the famous experiments is the mutilation experiment by Weismann. Weismann was a scientist और उन्होंने क्या किया, उन्होंने white rats लिए और उन rats की जो tail थी उसको कई generations तक उन्होंने cut किया. He just simply took white rats और कई generation तक उन rats की tail को उन्होंने cut कर दिया और ये देखने के लिए कि हम अगर उसको कट कर देते हैं तो क्या नेक्स्ट जनरेशन में वो फीचर ट्रांसफर होता है. बट ही ऑब्जर्व कि नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी लॉस ऑफ टेल उन्होंने नहीं देखा. सो ही सेड कि अगर कोई भी एक्वायर्ड कैरेक्टर है तो वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन नहीं होता है. ही प्रूव्ड इट. देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल साइटेड अगेंस्ट लमार्कियन थ्योरी इज द वियरिंग ऑफ आयरन शूज बाय फीमेल्स इन चाइना to reduce the foot size is not inherited in the next generation. China में females को पहले iron के shoes पहना दिए जाते थे कि उनका पैर बहुत लंबा नहीं हो, because they had the criteria कि पैर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए. But that feature जब भी next generation होता था तो again the females had the same problem कि foot size increase होता था तो फिर से पहनाना पड़ता था. ऐसा नहीं है कि mother का foot size small है तो बेटी का भी foot size small होगा. So it shows ki acquired characters were not inherited. Next, boring of ears and nose is not transmitted. मतलब कि जो कान में छेद और नाक में छेद करके ornaments पहने जाते हैं वो जो boring है वो भी transmit नहीं होती. हर generation में आपको फिर से अगर पहनना है तो आपको छेद कराना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि mother के कान में छेद है तो बेटी के कान में भी छेद हो जाएगा. Right? Now, criticism. Let us talk about criticism. Why was Lamarck criticized? Lamarck was criticized because his theory laid over emphasis on inner urge or the Elan Vital. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने environment का जो influence था उसको एकदम से खत्म कर दिया. उन्होंने सारा का सारा focus अपना जो था वो inner urge पे कर दिया कि it was inner urge which was playing a vital role in the evolution of new characters. Then the second criticism comes that theory considers environment as a docile force which is to be won over by the Elan Vital. जबकि डार्विन या जो प्रो डार्विन्स हैं वो कहते हैं कि नेचर सेलेक्ट करता है वेरिएशंस में से, जितने भी वेरिएशंस हैं उनमें से नेचर सेलेक्ट करता है. बट लमार्क कहते हैं कि नेचर सेलेक्ट नहीं करता, इन्वायरमेंट सेलेक्ट नहीं करता, इट इज द इनर अर्ज जो हमारे एनवायरमेंट के हिसाब से चीजों को डेवलप करती है, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट एंड डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बेटर बाय थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देन बाय यूज एंड डिसयूज. तो जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो हमारे जो डेवलपमेंट और डीजनरेशन हो रहा है ऑर्गन्स का, जैसे कि स्नेक्स के पैर खत्म हो रहे हैं, डीजनरेट कर रहे हैं, उनको हमारा जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है वो बेटर एक्सप्लेन कर पाती है इन कंपैरिजन टू द यूज एंड डिसयूज थ्योरी. नाउ तब जब हम इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू अकॉर्डिंग, हम उनकी बात को मान नहीं रहे हैं, तो हम लमार्किज्म क्यों पढ़ते हैं? वी स्टडी लमार्किज्म बिकॉज लमार्किज्म हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस. It was the first comprehensive theory of human evolution. Lamarckism was the first comprehensive theory of human evolution. उसके पहले हमको human evolution के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते थे. हम उसको एक static मानते थे कि हम जैसे हैं हम वैसे ही दुनिया में आ गए हैं, लेकिन हम evolve कर रहे हैं ये हम नहीं मानते थे. तो it was the first comprehensive theory of human evolution. Next, it explains the presence of vestigial organs in animals. जो vestigial organs present हैं different different animals में उसको वो काफी हद तक explain कर देती है. Then it explains development of strong jaw muscles and claws in carnivorous animals.
जो कार्निवोर्स होते हैं, जो कच्चा फ्लैश खाते हैं, विच ईट रॉ फ्लैश, उनके जो कैनाइंस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं टू टियर द मसल, टू टियर द स्किन एंड द मसल्स, एंड जो उनके जो जॉ के मसल्स होते हैं देवर ऑल्सो वेरी मच दे आर ऑल्सो वेरी मच डेवलप्ड एंड वेरी स्ट्रांग. जब ह्यूमंस के अर्ली फॉर्म्स को आप देखेंगे जहां पे फायर इन्वेंट नहीं हुई थी, जब तक हम रॉ फूड खाते थे वहां पे भी यू विल गेट मैसिव जॉ. तो ये जो जॉ है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रांग जॉ मसल्स हैं, जो क्लॉज हैं कार्निवोर्स के, उनको एक्सप्लेन करता है काफी हद तक लेमार्क की थ्योरी. राइट, अब देखिए क्या हुआ. लेमार्किज्म को कुछ लोग अभी भी सपोर्ट करते हैं, जैसे दे कॉल themselves as neo Lamarckists and the theory is called as neo Lamarckism. अब उनको सपोर्ट करने वाले कौन थे? लमार्क को सपोर्ट करने वाले थे neo Lamarckists जो कहलाते हैं, they are Herbert Spencer, Haeckel, Cope, etc. are the supporters of Lamarckism and now they are known as neo Lamarckists. neo Lamarckism. उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ ऐसे जो फ्लॉज थे, जिन फ्लॉज पे उनको क्रिटिसाइज किया गया था लमार्क को, उन्होंने कुछ उन फ्लॉज को हटा के इन लोगों ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे जिससे उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, लमार्क वाज राइट. बट इन एक्सपेरिमेंट्स पे भी अदर साइंटिस्ट्स क्वेश्चन उठाते हैं कि दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट एक्सप्लेनिंग द थिंग जो ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं. जैसे कि एफबी समनर्स एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्हाइट रैट्स को 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इन्होंने व्हाइट रैट्स को रखा. राइट, ही केप्ट व्हाइट रैट्स एट द टेम्परेचर ऑफ 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनका साइज जो था वो बिगर हो गया. जो न्यू रैट्स हुए नई जनरेशन में, उन्होंने क्या हुआ, उनमें दे बिकेम बिगर इन साइज. तो ये कहते हैं कि ये एक्वायर, और फिर जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो भी बिगर हो गई साइज में. तो ही सेड कि ये जो टेम्परेचर में हमने चेंज किया ये उसकी वजह से दे बिकेम बिगर इन साइज और ये एक्वायर्ड कैरेक्टर जो था ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो गया. बट डार्विन के सपोर्टर्स जो हैं वो इस बात का खंडन करते हैं, वो इसको नहीं मानते हैं. वो कहते हैं कि ये जो हाई टेम्परेचर था इट ब्रॉट चेंजेस इन द जर्म सेल्स. ये सिर्फ सोमैटिक सेल्स को, सोमैटिक सेल्स मींस बॉडी सेल्स और जर्म सेल्स मींस द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द ट्रेट्स इन अनदर जेनरेशन. तो उनका ये मानना था कि ये जो न्यू हाई टेम्परेचर पे आप इनको रख रहे थे, इस हाई टेम्परेचर की वजह से देयर वर चेंजेस इन द जर्म सेल्स और ये जो चेंज हुआ जर्म सेल्स में, दिस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट इन द नेक्स्ट जेनरेशन. देन लेट अस डिस्कस अबाउट ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट. ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने भी व्हाइट रैट्स पे ही एक्सपेरिमेंट किया है और इन्होंने उनको एक व्हील पे रख के, रैट को एक व्हील पे रख के रोटेट किया, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड. तो उन्होंने देखा कि जो रैट्स थे दे डेवलप्ड डिजीनेस. डिजीनेस मतलब कि उनके चक्कर सा आने लगा, वो थोड़ा सा डिजी सा फील करने लगे. तो दे ऑब्जर्व डिजीनेस और ये जो डिजीनेस थी इसको वो कहते हैं कि दिस डिजीनेस वॉज ट्रांसमिटेड इन टू देयर नेक्स्ट जनरेशन. बट इस एक्सपेरिमेंट को जब और लोगों ने कंडक्ट किया तो उनको ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिला. सो ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट की भी बहुत एक्सेप्टेंस ज्यादा नहीं है. देन कम्स मैकडूगल्स एक्सपेरिमेंट. मैकडूगल ने क्या किया, मैकडूगल ने व्हाइट रैट्स को लिया और उनको एक मेज में छोड़ दिया. मेज मींस अ भूल भुलैया सॉर्ट ऑफ थिंग. उन्होंने उसको एक मेज में छोड़ दिया और उस मेज में क्या किया, जो सही रास्ता था उसको तो उन्होंने उधर से ओपन रखा, लेकिन जो गलत रास्ते थे उनमें उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट
चला दिया, उन्होंने जो गलत रास्ते थे उन पे उन्होंने करंट चला दिया। तो ये जो करंट जब वो गलती करते थे, जब रैट्स थे व्हेन दे एंटर्ड द मेज, जब वो यहाँ से मेज में एंटर करते थे, तो अगर वो सही रास्ता लेते थे तो उनको करंट नहीं लगता था, और अगर वो गलत रास्ते पे चले जाते थे तो उनको तुरंत करंट लग जाता था। तो जितनी बार वो मिस्टेक करते थे दे गॉट अ शॉक, तो वो ट्रेन हो गए कि उनको सही रास्ता ही उन्हें लेना था। और ये जब उनकी नेक्स्ट जेनरेशन आई तो अगेन एंड अगेन उनको जब मेज में किया गया तो नंबर ऑफ एरर्स, इट वाज नॉट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड बट इट वाज ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ एरर्स रिड्यूस्ड, जो नंबर ऑफ एरर्स थे वो रिड्यूस हो गए थे नेक्स्ट जेनरेशन में। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो इनहेरिटेंस ऑफ लर्निंग को शो करता है। नाउ देर इज सर्टेन कॉन्ट्रोवर्सी इन द प्रेजेंट डेट ऑल्सो, ये भी नियो लमार्किज्म में ही आता है। ये नियो लमार्किस्ट जो एक आज की डेट में बहुत कॉन्ट्रोवर्सी में है, ये चीज क्या कॉन्ट्रोवर्सी है, ये एक सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट होता है। ये जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हो या जेनेटिक्स पढ़ते हो तो आप उसमें पढ़ते हो कि जो हमारी बॉडी के अंदर डीएनए होता है वो डीएनए कोड करता है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से आरएनए होंगे, और जो आरएनए होता है वो कोड करता है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से प्रोटीन्स होंगे। तो डीएनए इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म जिसमें कि हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कोडेड रहती है, और वो हमारी किससे पास ऑन होती है, वो आरएनए पे जाती है। आरएनए से हम अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसलेट करते हैं, और ट्रांसलेट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है उसी के हिसाब से हम अपनी बॉडी में प्रोटीन्स को बनाते हैं। ठीक, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा। नाउ एक्सपेरिमेंट्स बाय गायर एंड स्मिथ, गायर एंड स्मिथ आर टू साइंटिस्ट हु आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस, एंड दे शोड दैट द बॉडीली चेंजेस कैन ब्रिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरएनए। अब उन्होंने कहा जो बॉडी चेंजेस हैं उनकी वजह से हमारे अंदर कुछ नया आरएनए बन जाता है, एंड आरएनए विच इन टर्न डेवलप्स न्यू डीएनए। वैसे क्या होता है, डीएनए के थ्रू आरएनए बनता है, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि कुछ हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं। और ये हम काम कैसे कर पाते हैं, ये काम हम कर पाते हैं थ्रू एन एंजाइम नेम्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम की वजह से हम इस रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं, डीएनए से आरएनए बनने के बजाय आरएनए से डीएनए बनने लगता है। और डीएनए से तो पहला जो स्टेप है ये तो प्रूव हो गया कि डीएनए से आरएनए के बजाय हम आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। अब ये जो सेकेंड स्टेप है कि आरएनए से हम प्रोटीन बना सकते हैं, ये तो नॉर्मल स्टेप है। नाउ आरएनए से हमने डीएनए बना लिया, लेकिन अब हम उस आरएनए को जेनरेट करने के लिए प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी कहां से आएंगी। इस न्यू आरएनए को हमने बनाया, लेकिन जो कोडिंग है, जो हमारे सोमैटिक चेंजेस हैं, उनकी वजह से नई एंटीबॉडीज बन जाती हैं हमारी बॉडी में। हमको ये अभी प्रूव करना बचा है कि हमारी सोमैटिक चेंजेस, मतलब जो हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, उनकी वजह से हमारी बॉडी कुछ नए एंटीबॉडीज बनाती है, और वो एंटीबॉडीज हमको आरएनए बना के देते हैं, नया आरएनए, और वो नया आरएनए हमारे डीएनए को बना देता है, नए डीएनए को, या डीएनए में चेंज ला देता है। ये अभी प्रूव होना बचा है। इसका जो ये वाला पोर्शन है जो मैं डिफरेंट तरीके की लाइन से दिखा रही हूँ, आरएनए से डीएनए बन जाता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, गायर एंड स्मिथ हैव प्रूव दिस स्टेप। बट उसके ऊपर का स्टेप जो है कि एंटीबॉडी कैसे बनी, डिफरेंट एंटीबॉडीज बन जाए सोमैटिक चेंजेस की वजह से, ये प्रूव करना अभी बाकी है। तो जब ये प्रूव हो जाएगा तो मे बी लमार्किज्म विल बी अ वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरी, बट इन अंडर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस लमार्किज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल। So with this we are over with Lamarckism, and thank you for being patient and watching the video till end. If you like the channel, please like, subscribe and share the channel.
And if you want some new topics to be covered, please mention it in the comment box and I will definitely cover it in the upcoming videos. Thank you so much.